दोस्तों, आज अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा के पंचकुला में एक विशाल रैली निकाली है, जिस रैली का नाम रखा गया था बिजली गुल और बिलफुल। लेकिन उसको देखते हुए आज मेवात के कोट गांव में भी एक रैली निकाली गई है, जिस रैली में प्रदेश उपाध्यक्ष संजय मित्तल जी, हतीन विधानसभा से विधायक पद के भावी उम्मीदवार सब्बीर जी के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई थी, जिस रैली का उद्देश्य ये था कि यहाँ की जो जनता है, यानी कि हरियाणा की जो जनता है, उनसे बिल तो पूरा ले लिया जाता है, लेकिन बिजली उनके लिए पूरी नहीं दी जाती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो मेवात के अंदर हैं, वो लगातार कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर परचम लहरा रहे हैं। आखिर इस रैली का निकालने का क्या उद्देश्य है, तो आइए जानते हैं। अच्छा जी, ये जो रैली आपने निकाली है, इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ से आप पैदल चले, क्या उद्देश्य है? आज हमारी पार्टी पंचकुला में एक विशाल रैली का आयोजन कर रही है, उसमें हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान जी और हमारे संगठन मंत्री संदीप पाठक जी संबोधित कर रहे हैं। बिजली गुल और बिल फुल, ये हमारा नारा है आज का। हरियाणा में बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, इसलिए हमने रैली का प्रोग्राम करा। हरियाणा में एक बिजली की समस्या नहीं है, अगर बात देखी जाए तो मेवात को पिछड़ा जिला घोषित किया है और मेवात में बिजली ही नहीं, बल्कि ऐसी बहुत सी समस्याएं, रास्ते को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, रोजगार को लेकर, रोडों को लेकर, मेवात के अंदर समस्या ही समस्या है। आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है, एक क्रांति से निकली है, वो सच्ची और ईमानदार पार्टी है। हम वादा करते हैं, ये सब आपने पूछा है, सारे काम कराए जाएंगे, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, पानी के, ये रोडों के, बिजली के, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी स्कूल प्राइवेट जैसे कर दिए जाएंगे दिल्ली की तर्ज पे। हमारी सरकार ने पंजाब में पहले दिन ही 35,000 रोजगार पक्के करें, इसी कड़ी में हम भी हरियाणा में यही काम करेंगे। हमारी पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती, इसीलिए एक ये ईमानदार पार्टी है, जो वादे करती है वो खरे उतरती है। अब हम यूनिवर्सिटी की कहेंगे, स्वास्थ्य की कहेंगे, तो सब वादे होंगे, एक साल में ही पूरे करके दिखाएंगे। मैं इससे और दिल्ली से ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि हमारे अंडर में गृह मंत्रालय नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं है, और पंजाब में हम फुल सरकार में है, तो पंजाब में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। आप पंजाब घूम के आइए और विकास देखिए, विकास कैसा होता है। अच्छा, जिस तरीके से आप लगातार मेहनत कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, लोगों को जोड़ रहे हो आम आदमी पार्टी से, तो क्या लगता है आपको? अब की बार हरियाणा परिवर्तन मांगता है। 75 साल कांग्रेस को देख लिए, 9 साल बीजेपी को देख लिए, बीजेपी बस विकास के नाम पे झूठ बोलती है, कोई काम नहीं करती। इस बार लोगों के माइंड में नहीं कोई आदमी लाया जाए, इसीलिए मैं हतीन विधानसभा से सब्बीर खान को संभावित उम्मीदवार घोषित करता हूँ। यहाँ की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, क्या संदेश देना चाहता हूँ? मैं हाथ जोड़ से के उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, देश में एक स्वच्छ सरकार बनाए, ईमानदार सरकार बनाए, जो हमारे देश के विकास के लिए आगे हो। हम एक देशभक्त पार्टी है, ईमानदारी से काम करेंगे। ये हमारे मंत्रियों को बिना फालतू में परेशान किया जा रहा है। अच्छा जी, आपने आम आदमी पार्टी चुनी है, तो आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या दिखा है आपको जो आपने आम आदमी पार्टी चुनी? आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, जो वादे करती है उनको पूरा करती है। मैंने सुना है आप हतीन विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल लड़ेंगे। तो किस तरह की मेहनत आपकी चल रही है? तगड़ी मेहनत चल रही है, डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं हम लोग। लोग जुड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जुड़ रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो और नेताओं की तरह आप भी वादा कर कर फिर जनता से मुकर जाएंगे, जनता का साथ नहीं देंगे? हमारे केजरीवाल जी झूठ नहीं बोलेंगे, तो हम कैसे झूठ बोल पाएंगे? अच्छा, जो वादे किए हैं वो आज तक पूरे हुए हैं, दिल्ली देखो, पंजाब में देखो, सब वादे पूरे हुए हैं आज तक। तो किस तरीके से देखते हो आप अपने चुनाव को 2024 में? इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे चुनाव में।
जीतोगे इंशाल्लाह। जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहते हो? जो वादे कर रहे हैं हम जनता के लिए सबको पूरा करेंगे और सब भाइयों को एक जैसा बर्ताव करेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे बीजेपी में है कांग्रेस में है कि जो अच्छा लगेगा बढ़िया है उसका काम हो जाएगा है और गरीब को साले को लात मार दो, ऐसा नहीं होगा। सबको एक एक तरह से मापा जाएगा।